तो बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने छपरा और सिवान में हुए शराब कांड मामले को लेकर के विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है, जिसे लेकर हमारे सहयोगी राजीव मोहन ने मंत्री संतोष कुमार सुमन से खास बातचीत की, सुनवाते हैं आपको। अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले बताइए, बिहार में इतना बड़ा शराब कांड हो रहा है, इस बार भी छपरा सिवान में जो हुआ, उसको देखते हुए क्या लगता है, शराबबंदी बिहार में है या उसको, जिस तरह से आरजेडी या कांग्रेस से कह रही है कि अब इस शराबबंदी को ख़त्म करना चाहिए, आप अपनी पार्टी के स्तर पर सरकार के मंत्री हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आप भी कहेंगे, जो गरीब तबका, जो गरीब समाज है, जिनको इस तरह की लत लग जाता है, कमाते तो कम हैं और शराब में ज़्यादा खर्च कर देते हैं, कर्ज के तले दबे रहते हैं, वो उनके मृत्यु उपरांत उनके बच्चे भी कर्ज के में दबे रहते हैं, बंधुआ मजदूरी की जो प्रथा है, समझिए कि शराब से ही आया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इतने विजनरी हैं, वो इस बात को उनको समझ में आ गया था, इसलिए बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी। महिलाओं के द्वारा भी बोला गया था माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो महिला इसलिए बोली थी ना कि उनके पति पी करके आते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं और उनको परेशानी होती है, उनके रात में सो नहीं पाते हैं, बच्चे भी देखते हैं, बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो शराब बंदी इसलिए किया गया था। अब लेकिन कुछ आदतन लोग होते हैं, कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिनको कानून तोड़ने में मज़ा आता है, और इस दुर्भाग्य है कि उसी जगह पर, उसी इलाके में हो रहा है, तो सरकार निश्चित तौर पर इसकी छानबीन करेगी, इसके ऊपर देखेगी और कड़ाई से पेश आएगी, ताकि ऐसे लोग, जो भी लोग इसके पीछे हैं, इस घटना को अंजाम देने में, जिनके कारण जहरीली शराब परोसा गया है, तो उन लोग पर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और राज्य सरकार पूरी तरह से तत्पर है, सजग है और छानबीन चल रहा है हमारे प्रशासन के द्वारा। कैमरा पर्सन विकास के साथ राजीव मोहन, न्यूज़ इंडिया, पटना।